हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपका एक नया होगा जिसका नाम है 5.2, यानी आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है समांतर श्रेणी, उसका आपका एक नया अध्याय होगा आज प्रश्नावली 5.2। जो बच्चे एनसीईआरटी बुक लिए हैं वो पेज नंबर 116 खोल लें, 116, और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, यानी फर्स्ट पद जो है ए है, सर्वांतर मींस कॉमन डिफरेंस इसका डी दिया है, और एनवा पद एन है। अब देखो यहां पर सारणी में कई क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम अगर सारी सारणी यहां बना देंगे तो हल करने का जगह नहीं बचेगी, इसलिए फर्स्ट को मैंने लिया है। इसका एन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, आप देखिएगा, उसके बाद फिर हम इसी आधार पे आगे बढ़ेंगे, दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें हम पढ़ते हैं एनवा पद बराबर ना। चलिए देखिए पहले दिया क्या क्या है भाई। हमें ए दिया है, प्रथम पद दिया है, सर्वांतर डी दिया है, एन का मान दिया है, हमें ए एन निकालना है ना। तो ये सूत्र होता है सिंपल सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे याद रखना, ये हर जगह काम आएगा। हमें ए एन का वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू दिया है 7 प्लस इस वाले एन का मान 8 दिया है, माइनस वन इंटू डी का मान 3 दिया है, हल कर लेना है। तो ये 7 और प्लस, देखो 8 में से एक जाएगा 7 आएगा, और 7 का 3 में गुणा करोगे इक्कीस आएगा। तो भैया हो सीधा सीधा सा बाबू, कितना आ गया ये 28, कितना आ गया 28, यानी हम कह सकते हैं कि जो ए एन आया वो कितना आया 28, और यहाँ पर आप 28 भर दोगे, कितना आएगा 28। इस तरह से आपका ये पहला हो गया। इसे फटाफट आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको मिटाते हैं। ओके, स्क्रीन शॉट ले लो या लिख लो, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, हो गया। चलो तो अब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है आपके सामने। इनके देखो मान बदल रहे हैं, ध्यान देना यहाँ से, सेकंड पार्ट आ रहा है आपके सामने। चलो चलो चलो, रेडी। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चा, जरा ध्यान से गौर फरमाना। इसमें ए का मान -18 है, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 है, और ए एन का मान आपकी बार इसमें 0 दिया है। चलो जल्दी से आप लोग मुझे कोई कमेंट करके बताए कि इसमें जो डी का मान होगा कितना होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट, देर नहीं। कोई बताएगा? एनीवन, कोई भी? देखो मैं बताता हूं, यहां समझो, फार्मूला तो हमें मिटाना है नहीं, क्योंकि अब इसी सूत्र से ये रामबाण है, इसी में सब कुछ रखेंगे, जो वैल्यू दिया है जो नहीं दिया वो अपने आप छटपटा के निकल के आ जाएगा बाहर। जरा एक बार देखो तो ना प्यार से, ए एन का मान 0 दिया है रख दो, ए का मान -18 दिया है, प्लस एन का मान भैया दिया है 18, क्यों 18 दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, एन का मान 10 दिया था, सॉरी, ये कितना दिया था 10, अभी मैं सोचा ये भी 18 वो भी 18, नहीं वो 10 दिया था। तो ये 10 माइनस वन इंटू डी, और डी का मान तो हमें पता ही नहीं है। चलो ये 0, ये -18, और यहाँ पर ध्यान देना, 10 में से एक जाएगा 9 आएगा, और डी में गुणा हो जाएगा बाबू, तो ये 9D हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये 18 इधर से जब इधर आएगा, यहाँ माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 18/9 बराबर डी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। 18/9 इक्वल डी। ये क्यों हो गया? क्योंकि 9 से इधर जब भाग में आएगा ये 18, अबे भाई इतना तो तुम समझे रहे हो, लो मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुक जा, इधर देखो इधर, चलो इसके बाद यहाँ ऊपर देख लो। तो देखो ये 18, समझो समझो समझो, ये 0 ऐसे रहेगा, ये 18 इधर साइड माइनस में है, इधर साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर का 9D। इतना किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो बेटा ये 18 ऐसे रहेगा,
और ये 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा बराबर डी, और ये कट जाएगा यानी 2 बराबर डी। कहने का मतलब जो डी का वैल्यू आई वो क्या आया, 2 आया। कितना आया? 2 आया। हम यहाँ पर 2 भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, बहुत ही प्यार से समझना, और जाना तो कहीं नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ना। चलो, तो ये 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। देखो भैया, इस तरह से आपके जितने भी पार्ट्स हैं सभी आएंगे, और उन्हें आप कर लेना। एक स्वर में बोलो, कर लोगे कि नहीं? जितने भी हमारे चुल्लू मुल्लू कमेंट कर रहे हैं, मार परेशान है कमेंट में, बेटा थोड़ा धैर्य बना के रखो, पढ़ लो, ठीक है। और जो थोड़ा सेटिंग करने आते हैं उनसे तो निवेदन है, हाई स्कूल में हो अभी कुछ काम कर लो लाइफ के लिए, आगे की जिंदगी पूरी सेटिंग करना जो तुम करना चाहते हो। वही मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम बड़े समझदार हो, सब समझ गए। चलो, इसलिए पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो। -3, देखो इसमें ए का मान नहीं दिया, तीसरे में डी का मान -3 दिया है, एन का मान 18 दिया है बच्चा, और बबुआ ये 5 दिया है माइनस में। ये आपका थर्ड पार्ट है, इसमें आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। यानी अगर आपको डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है, तो आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है। कैसे आएगा जरा सोच के बताओ। चलो बेटा फटाफट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कितना आएगा? देखो ये चुप्पे से सूत्र लगा लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे भूलना नहीं, लाइफ टाइम काम देगा ये, समांतर श्रेणी का कहीं भी क्वेश्चन आएगा। ए एन का मान -5 दिया है, ए का मान कुछ नहीं पता हमें तो हम वैसे रख देंगे, एन का मान 18 है और डी का मान -3 है। चलो -5 प्लस, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा सावधान रहना, 18 में से एक जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 का 3 में गुणा करोगे बबुआ तो 51 हो जाएगा, और ये माइनस में है इसलिए ये -51 आएगा, यानी 5 के बाद में बराबर ए, और ये प्लस और ये -51। इतना समझ में आया ना, क्योंकि ये 17 आएगा, 17 का 3 में गुणा करोगे तो 51 माइनस में आएगा। अब नीचे जगह नहीं इसलिए मैं आगे हल करूंगा, क्योंकि नीचे छुप जाएगा फिर तुम परेशान होगे। तो ये -5 समझना, यहाँ से -5 ऐसे रहेगा, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -51 जब दूसरी साइड आएगा बबुआ तो ये प्लस हो जाएगा, यानी +51 बराबर है। अब देखो ये 5 इसमें से घटा लो, घटा लो और मुझे बताओ 51 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 46 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। 46 प्लस में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जो 51 है वो बड़ा है, और जो नंबर बड़ा होता है आंसर में वही चिन्ह लगाया जाता है। समझ में आया? यानी आप कह सकते हो कि जो ए का वैल्यू आया है बेटा वो 46 आया है। कितना आया? 46। लिख लो फटाफट और चलो आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल टेंशन मत लेना एक भी पैसे का, तुम केवल कोशिश करते रहना। चलो, क्या मैं मिटा सकता हूँ? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दूँ। चलो, तो ये 3 हो गए आपके, इसमें के 3 पार्ट। आपका रिक्त स्थान भरने वाला था, क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, बाबू अगर लाइक कर दो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप अगली क्लास भी पढ़ पाओ और बिल्कुल फ्री पढ़ पाओ। तो लाइक करना ना भूलें, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते हैं, चालाकी लगाते हैं, तो अगली क्लास आपको ना मिलेगी तो फिर हमसे शिकायत नहीं करना। हाँ, आप क्लास को लाइक और शेयर करोगे, हमारी पूरी जिम्मेदारी, आपको घर बैठे फ्री में पढ़ाया जाएगा, आप हाई स्कूल में टॉप करोगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर आगे की कहानी अलग है। चलो ठीक है, इसमें आपका कुछ लगना है नहीं, बस एक बटन दबाना है चुट्ट से और पुट्ट से उसका रिजल्ट आ जाएगा। चलो, अब इसका मान अगर मैं आपसे पूछूं तो बता लोगे ना, बता लोगे ना बाबू? चलो, सारे मान दिए गए हैं, इस सूत्र में रखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका आसान नहीं है क्योंकि दशमलव में है। आप कहोगे गुरुजी बड़े चलांक निकले आप तो, थोड़ा मुश्किल वाला था तो मुझसे पूछने लगे, आसान वाला था तो खुद कर दे रहे थे। तो चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। हाँ, n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सभी आ जाओ। an का मान 3.6 दिया है,
ए का मान -18.9 दिया है, एन का मान हमें नहीं पता है, और डी का मान 2.5 दिया है। ठीक है, ये 3.6 ऐसे ही रहेगा। यहाँ ध्यान देना, इनका इसमें गुणा होगा, आप सबको पता है। हाँ, तो ये इसके बीच में प्लस है, बच्चा देख लो गलत हुआ है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन रहेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी में ज़्यादा सुंदर लिख दिया गया है, थोड़ा सा रुक जाओ, समझो। ए का मान दिया है -18.9, उसके बाद प्लस का साइन है, एन -1 इंटू डी, डी का मान दिया है 2.5। ठीक है, अब ये माइनस का 18.9, अब देखो इनका इसमें गुणा करना है, तो चाहे गुणा करो या ना करो, वैसे ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, तो हम इनका गुणा करेंगे नहीं। तो तुम कहोगे फिर कर क्या रहे हो इसमें, अगली लाइन में कुछ नहीं कर रहे ना, लेकिन मुझे करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए आपको पता है? देखो ये जो 18.9 इधर साइड में माइनस में है ना, इसको दूसरी साइड ले आओ भाई, ये 3.6 अकेला बचा है बेचारा, इसके साइड ले आओ ना, तो ये प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर ये n -1 इंटू 2.5। इतने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है? देखो ये इधर माइनस में था, इधर आया तो ये प्लस में हो गया। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो भैया जोड़ तो लेबे करोगे तुम कि ना जोड़ लोगे, जोड़ लोगे कि नहीं, जरा जोड़ के देखो। 9 6 15 25 लगभग आएगा क्या? ये मुझे लग रहा है ये 25 आएगा, चाहे जोड़ के देख लो, तुम जोड़ के देख लो, 25 आएगा। क्यों भाई? सीधी सी बात है, 18 ये पूरा पूरा 3 ये है, 18 3 हो गया 21, हाँ 18 3 21 हो गया, और 9 6 ये कितना हो गया, 15 22 22.5। जोड़ के दिखा दूँ एक एक पॉइंट, चलो 9 6 15 5 हासिल आया 1, और 8 3 11 1 12 2 हासिल आया 1, और 1 1 2 0.1 अंक पे लग गया। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, साइड में आप देख लो, 18.9 और ये 3.6, 9 6 15 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 2 हासिल 1, और 1 1 2 यानी 22.5। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना भैया, चलो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, ओके चलो ठीक है ठीक है। तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है? देखो ये तो जुड़ गया, ये इधर गुणा में है, ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी ये भाग में हो जाएगा, तो ये 2.5 इसके जस्ट नीचे आएगा बराबर n माइनस 1। अब 1 भी उधर से आएगा तो इधर इसी में प्लस हो जाएगा, लेकिन ये दशमलव वाला हिसाब अब तुम्हें हल करना है। अब कहोगे ये दशमलव नई मुसीबत ले आया, हाँ नई मुसीबत तो ले आया, ऊपर भी दशमलव एक अंक पर है, नीचे भी एक अंक पर है। आप सबको पता है 25 का पहाड़ा आता है ना, क्यों भाई 25 का पहाड़ा सबको आता है ना? तो भैया सिंपल सी बात है, 25 दहमा होता है 250, 25 नवैया 225 होता है, एक एक अंक पर दशमलव है, तो हम इसे बिना कुछ करे सिंपल में दशमलव हटा सकते हैं दोनों तरफ से, ये बोलो हटा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक एक डिजिट पे डेसिमल है, ये कट जाएगा, तो ये 9 आएगा, कितना आएगा भाई 9 आएगा बाबू, तो ये 9 और उधर वाला 1 इधर आएगा, तो 1 प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आई, 9 + 1 यानी फाइनल में आपको पता हो गया कि n का मान कितना है 10। अब मैं क्या जोड़ के रखूं, यहाँ जगह नहीं है, कितना आया n का मान 10 आया ना, n का मान कितना आया 10। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा था, बाकी आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बाबू, अभी 3 क्वेश्चन और करवाएंगे इस क्लास में, और पूरा एंड तक क्लास को देखना, जाना कहीं नहीं जाना छोड़ के, अगर पढ़ना है तो यार, नहीं तो YouTube बहुत बड़ा है, खोजते रहो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, हाँ बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन कहीं एक जगह तुम्हें टिकना पड़ेगा अगर बोर्ड में टॉप करना, अच्छे नंबर लाना है तो। ऐसा नहीं है कि तुम आज यहाँ देख रहे हो, कल हुआ देख रहे हो, परसों हुआ देख रहे हो, हाँ किसी के साथ तो वफा करो थोड़ी सी, समझ रहे हो ना। चलो
अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगला पार्ट आप लोग कर लेंगे, और हमें लग रहा है ख़त्म भी हो गया, अगला पार्ट है भी नहीं का, एक ठीक बचा है, इसको मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, कर लोगे ना सभी, जल्दी से बोलो यस, जल्दी बोलो यस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मेरा नाम काहे नहीं ले रहे हो, नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे बेटा, पढ़ लो। मुझे सबका कमेंट दिख रहा है लेकिन टाइम वेस्ट होता है, मैं तुम्हारा नाम बोलता हूँ तो इधर हमारा काम पीछे हो जाता है और तुम सोचते हो कि देख नहीं रहे। जो जो हरकत तुम कर रहे हो ना चैटिंग में, मैं सब देख रहा हूँ एक एक, लेकिन अब बोल दूँ तुम्हारी बेइज्जती कर दूँ, तुम यही चाहते हो का? हाँ, तो ये चैटिंग में गपशप करते हैं, मुझे सब पता रहता है। इसमें ए एन का मान निकाल के मुझे जल्दी से बताओ, हर एक बच्चा बताएगा तुरंत रेडी हो जाने, कंटा पे कंटा पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ, ये बहुत से बच्चे कमेंट करते रहते हैं, फटाफट इधर उधर किचिर पिचिर करते रहते हैं, जल्दी करो चलो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसको मैं मिटाऊँ। हाँ चलो, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यार से देखो सेकेंड क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से फटाफट भाई। हाँ, दूसरा प्रश्न की तरफ आगे चलें। देखो दूसरा, आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक के लिए हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा। हाँ, एनसीईआरटी किताब लिए हो ना भाई? किसके किसके पास में किताब है ये बताओ मुझे, है आप लोग के पास? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, आप बहुत ही प्यार से इसे देखो और फिर समझो। कह रहा कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें श्रेणी दी गई है और उसमें क्या करना है, हमें श्रेणी में इसमें तीसवां पद बताना है, इसका जो तीसवां पद है इसमें से कौन सा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। देखो बेटा क्या करना है, इसमें हमें एक फार्मूला लगाना है सिंपल सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारे वैल्यू आपको रख देने हैं, बस हो गया आपका। ए एन मतलब हमें तीसवां पद निकालना है, तो ए एन की जगह पे आप क्या करोगे, ए तीस। हाँ, और ए ए का मान क्या दिया हमें, पहला पद दस दिया है, प्लस एन यानी तीसवां पद, भाई तीसवां पद तो पूछा है ना, इंटू डी। डी का मान देखो इस श्रेणी से तीन आ रहा है, इसे आप रख सकते हो इस तरह से, आप निकालोगे तो 10 और ये देखो इसमें से घटाओगे 29 आएगा, कितना आएगा 29, 29 का तीन में गुणा कर लो, 3 9 27, 3 दूना 7 2 8, और देखो बाबू ये घटाने पे क्या आएगा, प्लस में आएगा। और डी का मान यहाँ से ध्यान दो जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि ये उल्टा श्रेणी घट रही है, इस तरह से आपका ये माइनस का 87 आएगा, फाइनल में आप देखोगे तो माइनस का 77 आएगा, यानी जो आपका तीसवां पद आया वो कितना आया, माइनस का 77 आया। अगर आपसे ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहा जाए तो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, यानी जो तीसवां पद है इस श्रेणी का वो कितना होगा, माइनस 77 होगा, क्योंकि 10 के बाद 7 फिर 4 ये घटती हुई श्रेणी जा रही, फिर 1 आएगा, हाँ फिर माइनस 2 आएगा, फिर माइनस मतलब घटता जा रहा है, तो जो तीसवां पद है माइनस 77 होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, आगे बढ़ें फटाफट, देर नहीं, चलो। ओके, इसका जो इसमें सेकेंड पार्ट है वो होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग उसे घर से कर लेना, ठीक है? सेकेंड पार्ट सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, घर से कर लेना, किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने बताया वैसे सेकेंड वाला कर लेना, चलो बहुत जल्दी करो फटाफट। बच्चे लाइक और शेयर करते रहो बाबू, जल्दी जल्दी फटाफट, लापरवाही ना करो लाइक शेयर में, बिल्कुल भी कोताही ना करो, तुरंत फटाफट हर एक बच्चा लाइक कर दे जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत ध्यान से आगे बढ़िए जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिए, बहुत ही गौर से देखिए क्या कह रहा है बाबू, ये जरा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जो ये खाली जगह है इसमें क्या भरना है ये आपको डिसाइड करना है। देखो भाई ये बहुत छोटी सी सारणी है, इसको अगर माइंडली सोचा जाए तो आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, क्योंकि जब आगे चल के श्रेणी बड़ी हो जाएगी तो फिर आप उसमें ये दिमाग नहीं लगा पाओगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो अभी दिमाग कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये दो है, ये क्या है 26 है, आप जरा सोचो कि दो और 26 के बीच में कितना गैप है, तो
भैया 2 और 26 के जो अंतर है वो 24 का है। कितने का है बाबू? 24 का अंतर है। हमें पता है इनके बीच का कितना का अंतर है, 24 का। तो आप ये सोचो कि 24 का आधा कितना होगा, 24 का आधा कितना होगा, 12। तो क्या इस पे 12 हो सकता है? जरा सोचो, अगर इस पे 12 लिख देते हैं तो इसका सर्वांतर कितना बनेगा भाई? 12 में से 2 जाएगा, 10 आएगा। लेकिन 26 में से जब 12 घटाओगे तो 10 नहीं आएगा, यानी इस पे 12 नहीं हो सकता है। इस पे 12 और प्लस ये पहला वाला पद, इस पे 14 हो सकता है। आप 14 लिखो तो 14, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 14 से जब 2 घटाओगे तो 12 आएगा, 26 से जब तुम 14 घटाओगे तब भी 12 आएगा, यानी ये 14 इसका सही आंसर है। लेकिन ये तरीका तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैंने क्या बताया, क्या लिखा, कैसे किया, तुम्हें समझ में बहुत कम आया होगा ना। तो देखो अब जो तरीका बताऊंगा वो समझ में आएगा, लीगली तरीका जो सिस्टम वाला है। देखो इस श्रेणी में अगर हम मान लें कि हमें 14 नहीं दिया है, हाँ इसको मिटा देते हैं, अभी इसको नहीं मान रहे हैं कि दिया है, मुझे मिल गया। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, हमें प्रथम पद दिया है श्रेणी का, और हमें इसका दूसरा, ये तीसरा पद है, ये 3 दिया है। बोलो भाई, दिया है ना बाबू? इतना ही तो दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें D पता होना चाहिए। सर्वांतर अगर पता हो गया तो हम सारे पद निकाल सकते हैं। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे जो बचपन से लगाते आए हैं, An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही इकलौता सूत्र है जो हर जगह काम देता है। तो हमें क्या करना है, तीसरा पद दिया है, पहला पद दिया है, तो पहले और तीसरे की सहायता से हम कुछ आगे काम बढ़ाएंगे। तो भैया हमें An दिया है, An का मतलब हम मान लेते हैं कि हमें 26वां पद दिया है। हाँ कौन सा दिया है, 26वां पद। तो ए 26, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना? नहीं, ये 26वां पद थोड़ी है, सॉरी तीसरा पद है यार, ये तीसरा पद है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद का जो हमें मान दिया है उसको रख देंगे, हाँ 26, और ए का मान कितना दिया है 2, और प्लस देखो यन, यन का मान कितना दिया है, यन कौन सा पद है भाई, ये तीसरा पद है ना, इसका मान तो 26 था मैंने रख दिया, ये तीसरा पद है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, बस ये हो गया 26 बराबर ये 2, और ये प्लस 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 2D हो गया। यहाँ से समझो 26 में से 2 गया बराबर 2D, ये 24 बराबर क्या हो जाएगा 2D, यानी यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 24/2=D। फाइनल में हम यहाँ से कह सकते हैं कि D का मान कितना आया, 12। क्यों भाई, 12 ही तो आया ना, हाँ D का मान 12 आया कि 14 आया, 12 ही आएगा, 14 नहीं आएगा, कितना आएगा, 12, 12 आया ना। अब अगर D का मान आ गया, हम लोगों ने सारणी पढ़ा है, तो हम बड़े प्यार से अगला निकाल सकते हैं, हमें दूसरा पद निकालना है यानी A2। तो दूसरा पद क्या होता है, पहले पद में सर्वांतर जोड़कर दूसरा पद निकालते हैं, श्रेणी में हम लोग यही पढ़े हैं ना, अब तक यही पढ़े हैं। तो चलो भैया निकाल लो, पहला पद 2 है, सर्वांतर 12 आया है, फाइनल में ये 14 हो गया, यानी हमें पता है दूसरा पद कितना आ गया बबुआ, 14 आ गया, कितना आ गया, 1414। लिख लो जल्दी जल्दी से, आगे बढ़ते रहो, यानी ये कितना आ गया, 14। अभी मैंने तरीका बताया था, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा पूरा क्वेश्चन का, आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। बहुत जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत देर ना करो, चले तुरंत देर ना किया करो, वीडियो को रोक करके लिखो खटाखट दौड़ भाग के। चलो अब देखो इसका सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ, सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं दौड़ के। सभी साथी क्लास को लाइक करते जाओ, कमेंट पे ध्यान कम दो, कमेंट में डंडा ना करो, नहीं तो फटाफट ब्लॉक करेंगे एक एक को पकड़ पकड़ के, हाँ इसलिए कमेंट में चुपचाप पढ़ो और फालतू कमेंट ना करो बेटा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे उतना ज़्यादा, हाँ अगर तुम कमेंट ही पढ़ने का शौक है तो पेड वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। हमारा कोई डाउट है तो उसे कमेंट करो, बाद में हम उसे चेक करेंगे और रिप्लाई करेंगे। लेकिन अब सोचो कि पढ़ा रहे हैं तुरंत है, तुम्हारा कमेंट भी देखे जाए तो सब कुछ ना होगा। चलो इसमें क्या क्या हमें दिया है, देखो दिया है गिवन, देखो बेटा इसमें पहला पद भी नहीं पता हमें, हमें दूसरा पद पता है और चौथा पद पता है,
ये थोड़ा सा कठिन भरा क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हमें पहला पद भी नहीं पता है, इसमें सर्वांतर भी नहीं पता है। चलो ठीक है, फिलहाल अनजान रास्तों पर हम लोग अनजान मुसाफिर हैं, कहीं ना कहीं तो चलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही। चलो अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही गौर से समझना। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें पहला पद प्राप्त करना है, दूसरा पद दिया है, तीसरा प्राप्त करना है। तो बेटा जो जो दिया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता है ये फार्मूला, हाँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले तो हम दूसरे पद के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर चौथे पद के अकॉर्डिंग। तो दूसरे पद के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए टू बराबर ए, ए का मान हमें पता है नहीं, प्लस एन, एन मतलब दूसरा पद हम ले रहे हैं तो दो रख देंगे एन का मान, इंटू डी, समझते चलो। तो ये ए टू बराबर हो जाएगा ए प्लस टू से बन जाएगा वन, और डी में मल्टीपल होगा वन डी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, कितना हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ए टू बराबर। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ए टू का मान कितना है भैया, ए टू का मान 13 दिया बाबू। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखने के पहले इसे ऐसे लिखो कि अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि ए टू का मान 13 दिया था। इसी आधार पर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाएंगे, चौथा समीकरण के आधार पर। पहले तो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिख रहा हूँ अभी, समझो। अब चौथा, ए एन की जगह पे 4 रखेंगे, ए प्लस एन की जगह पर 4, समझते चलो। ए 4 भाई, ए 4 का मान कितना है, 3 है, क्योंकि चौथा पर 3 दिया है। तो ए प्लस इसमें से घटेगा तो ये डी हो जाएगा 3D। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। देखो बच्चा, समीकरण दो और समीकरण एक जो है, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे तो हमें डी का मान आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण दो माइनस समीकरण एक। तो समीकरण दो से समीकरण एक घटा लो, तो बाबू देखो दो समीकरण जो है वो कुछ इतना आया है, जो कि तुम्हारे सामने मैं लिख दिया हूँ। समीकरण फर्स्ट ये आया है, इनको आपस में घटा लो, हाँ, आपस में इनको सबट्रैक कर लो फटाफट। देखो सबट्रैक करने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, हाँ, चिन्ह बदल देते हैं। तो ये घट जाएंगे, माइनस का 10 आएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये घटेगा तो 2D आएगा, हाँ। यानी यहाँ से जब डी का मान आप निकालोगे तो माइनस का 10/2 यानी माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 5। थोड़ा निकाल के देख लो साइड में, ये लो, जैसे आ रहा तुम्हें दिख तो रहा है सबको ना। तो ये माइनस का 10/2 यानी माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 5 यानी डी का मान क्या आ गया, माइनस 5। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलो अब अगर हमें डी का मान आ गया तो हम ए का मान निकाल सकते हैं, हाँ, तीसरा पद चौथा पद सब निकाल सकते हैं। कैसे, जरा यहाँ पे ध्यान दो, जो डी का मान आया है, जैसे हम समीकरण पढ़ते आए उसी के अकॉर्डिंग चलें, तो आप लिखो डी का मान समीकरण एक में रखने पर। देखो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी करो, लिख लो फटाफट, लिख लो, समझते चलो मेरे साथ साथ में। तो आप लिख भी सकते हो, देखो मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया तुम्हें पता है, लेकिन जो बीच में पढ़ेगा उसे ना समझ में आएगा। पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, हाँ, उसके बाद अब लास्ट में मैं ये जुगाड़ लगा रहा हूँ साइड में जगह बना के ना। तो लिखो, लिख लियो ना, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक ये बना था, ये बना था ना बेटा, तो डी का मान इसमें ला के रख दो, ये प्लस और माइनस का 5, तो फाइनल में हो जाएगा 13+5 = a, यानी आप कह सकते हो 18 = a, यानी जो a का मान आ गया 18 आ गया समीकरण एक में, जब हमने d का मान रख दिया, यानी हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ गया 18, इसमें कितना आ गया 18। लिख लो, कोई अगर डाउट है तो बता देना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना एक भी पैसे का यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो आपका पहला पद आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा पद तो आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे अभी तक पढ़ते आए हो भाई, तीसरा पद निकालना है, हाँ, तो तीसरा पद निकालना है तो क्या होता है,
दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ दो या तीसरा पद आ जाएगा, बहुत ही नॉर्मल है ये। देखिए साथ साथ में लिखते चलिए, जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ तब मैं बोलता हूँ कि बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। और जितने भी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो पीबीआर स्टडी चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें, देर ना करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो पीबीआर स्टडी फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, जिससे कि वो फ्री में घर बैठे पढ़ सकें, निःशुल्क पढ़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि जो छात्र फीस डिपॉजिट नहीं कर सकते बड़ी बड़ी कोचिंगों में हजारों लाखों में, वो फ्री घर बैठे पढ़ें, अपने सपनों को साकार करें। लेकिन क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ चलो, तो तीसरा पद निकालना हमें, तो तीसरा पद के लिए हम क्या करते हैं, ए टू प्लस डी कर सकते हैं। दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ दें तब भी तीसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद 13 दिया है, डी का मान माइनस 5 आया है, सबको पता है क्यों भाई साहब, यही है ना। तो 13 माइनस 5 ये बराबर 8 आएगा, ये तीसरा पद है। हाँ कितना आएगा, 8 आएगा। इन्हें चाहो तो ऐसे लिख लो, ए थ्री बराबर कितना है, 8, ये 8, यानी 5-5 सब घट रहे हैं, समझ में आया ना। तो ये आपका पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इसमें देखो बच्चा 5 पार्ट दिए गए हैं और सब एक से एक दयु के लाल हैं। हाँ एक से एक दयु के लाल हैं जितने पार्ट हैं। तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत तेजी के साथ, ध्यान देना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम। चलो थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए। क्लास ख़त्म होने के बाद हम सारे डाउट क्लियर करेंगे, आप कमेंट करना। लाइव सेशन जब तक है तब तक शांति से पढ़ो, तब तक शांति से पढ़ो। तीसरा पार्ट है 5 और यहाँ पर अब ध्यान दो, इसमें क्या करना है हमें भाई साहब, 9 × 1/2 ये दिया है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो बेटा, हमें क्या करना है, दूसरा पद भी नहीं पता है, तीसरा भी नहीं पता, पहला पता है और चौथा पता है। तो जो जो पता है वो लिखेंगे, जो लापता है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लापता वाला नहीं लिखना, दिया नहीं, दिया है, गिवन। ए दिया है और ए फोर दिया है, हाँ ए फोर दिया है। क्या हमें डी दिया है, नहीं दिया है, हमें निकालना है। अब यहाँ से समझना बेटा, जो हमें दिया है उसी को लेकर के हम चलेंगे। तो ए एन बराबर ये सूत्र होता है, तुम सबको पता है, हाँ दुनिया को पता है। तो चौथा पद हमें दिया है तो हम ए फोर इक्वल ए प्लस एन का मान 4 रखेंगे इंटू डी, डी का मान हमें पता ही नहीं है। हाँ डी का मान क्या है, लापता है। चलो तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ए का मान भी तो हमें दिया है, 5 दिया है, ठीक है, और चौथा पद भी तो दिया है ना भैया, चौथा पद भी तो दिया है, ये भी मान रख दो। चलो 9 × 1/2 यहाँ से सब कुछ रखने के बाद डी का मान आ जाएगा, देखो ये 18/2 हो जाएगा बाबू। हाँ 9 × 2 = 18 = 19, चचा इसे नहीं 19/2 होगा, ठीक है। अब देखो समझो, ये 5 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इसमें से ये घटेगा तो 3d हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में से एक जाएगा तो 3 आएगा, और 3 का d में गुणा करेंगे तो 3d हो जाएगा। ये 5 इधर साइड प्लस में था, इधर आ गया माइनस में हो गया। अब ये भिन्न हल करना तो तुम्हें बचपन से आता है, हाँ 19 × 1 = 19, 2 × 5 = 10, तो ये फाइनल में हो जाएगा 19 − 10/2। अब ये भिन्न अगर कहीं दी होती गधों, ऐसे दिया होता तो क्या तुम इसको ना लगा पाते, मुझे ये बताओ, इसको हल ना कर पाओगे तुम, कर लोगे ना, इसको हल करके बताओ कितना आएगा, जल्दी करो। चलो 9/2 आएगा ना, हल करके बताओ जल्दी से फटाफट, कितना आएगा बे भाई, हाँ 9/2 आएगा ना, यानी हम कह सकते हैं ये क्या आएगा, 9/2 = 3d। अब यहाँ से समझो, यहाँ से थोड़ा सा समझना वाला है, समझो समझो, इधर से d के साथ जो 3 है गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो फाइनल में हम कह सकते हैं 9/2 ऐसे रहेगा, इसके नीचे 3 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर क्या है d। इसको हल करना बहुत से बच्चे नहीं जान रहे होंगे कैसे होता है, देखो 9/3 ये पूरा पूरा भिन्न के रूप में, ये बेचारा अकेले है, इसके नीचे 1 छिपा लेते हैं,
अब बाहर का बाहर गुणा हो जाता अंदर का अंदर, तो बेटा ये हो जाएगा आपका फाइनल में 9 बटा ये 2 गुणा 3 बराबर डी, ये कट जाएगा, यानी 3/2 बराबर डी, यानी डी का मान कितना आया 3/2, मतलब डेढ़, है ना। डी का वैल्यू कितना आ गया 3/2। इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ मस्त चल रहा है ना भैया। चलो तो डी का मान आ गया बेटा, अगर हमें प्रथम पद पता है, डी पता है, तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलो दूसरा पद निकाल लो झट से, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। और जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे वो पीबीआर स्टडी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को लाइक जरूर करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो। और जो जो नहीं कर रहा मुझे पता है, और ये तकलीफ अच्छी नहीं है, समझ रहे हो ना तुम। चलो तो अब क्या करेंगे हम, डी का मान 3/2 आ गया, वो तुम सबको दिख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, हाँ आ रहा है ना। चलो देखो समझो, और क्लास का टाइम इस समय यूट्यूब पर सितंबर 2021 में दोपहर 2 बजे से चल रहा है। हाँ सितंबर 2021 में दोपहर 2 बजे से क्लास 10th का मैथ हो रही है। कुछ भी अपडेट होती है तो आपको सूचित किया जाएगा, नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। चलो बेटा दूसरा पद निकालो, ए प्लस डी, हाँ ए मतलब पहला पद 5, डी का मान 3/2 आया है, ये तो तुम्हें जोड़ना आता ही है, इतने बड़े खच्चर तो तुम हो नहीं। तो ये 5 × 2 = 10 और ये 3/2, यानी फाइनल में तुम कह सकते हो कि 13/2, यानी दूसरा पद कितना आया 13/2, कितना आया 13/2, ये कितना आया 13/2। तीसरा पद निकालोगे कैसे, देखो चचा तीसरा पद निकालने के लिए तुम दूसरे पद में डी जोड़ सकते हो। हाँ तो दूसरा पद आया है 13/2, इसमें डी जोड़ोगे, डी का मान 3/2 आया है, इस तरह से आपका 16/2 आएगा, यानी आप कह सकते हो कि 8 आएगा। हाँ तीसरा पद कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है। आप लिख लीजिए, इसमें और भी जो पार्ट्स दिए गए हैं उम्मीद करते हैं इसी तरह से तुम उसे हल कर लोगे, कर लोगे ना। देखो कुछ ना कुछ हाथ पांव मारना पड़ता है ना। हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। और साथियों उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। चलो अगले पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है कि इसका अगला पार्ट तुम कर लोगे बड़े प्यार से, सभी कर लोगे ना, एक बार बोलो हाँ या नहीं। देखो इसमें 5 पार्ट दिया था बेटा, मैंने 3 करवा दिया है, और मुझे उम्मीद है पूरा कि तुम इसके जो बचे हुए 2 पार्ट हैं उन्हें इसी तरह से कर लोगे। नहीं कर पाना तो बता दो कि नहीं कर पाएंगे, हाँ कर लोगे ना। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी सिलेबस मतलब जानते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल के लेवल का ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय, समझ रहे हो, सबके लिए है ये। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, 5.2 में बेटा कुल मिला के 20 क्वेश्चन है। इस क्लास में हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, क्लास 1 घंटे ज्यादा की हो जाएगी, इसलिए इसके आगे नहीं चलेगा। पांचवा अगली क्लास से, चौथा देखो। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा कि एपी, एपी क्या दिया है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, और डॉट 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 है का कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है। कह रहा है ये जो श्रेणी दी गई है बेटा, इसका कौन सा टर्म्स है जो 78 है। देखो कौन सा टर्म्स का मतलब ये है कि जैसे पहला पद क्या है 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 18 है, यानी ये पद क्या है बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसमें मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इस श्रेणी का चौथा पद क्या है, तुम कहोगे 18 है, मैं पूछूं तीसरा क्या है 13 है, उसी तरह से ये पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा।
मतलब ये बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, 3 के बाद 8 हो गया, 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया 13 हो गया, फिर 5 बढ़ गया 18 हो गया, 5 बढ़ता बढ़ता ये जाएगा, तो कौन सा पद 78 हो? जैसे चौथा पद 18 है, तीसरा पद 13 है, दूसरा पद 8 है, वैसे कौन सा पद 78 होगा? तो चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए वही अपना पुराना सूत्र है, हाँ, घिसा पिटा। देखो दिया है, प्रथम पद दिया है बेटा, यहाँ पे सर्वांतर भी तुम्हें दिया है, इनको घटाओगे आपस में घटा के देखो 5 आएगा, हाँ। और हमें an भी दिया है, क्यों an दिया है? an 78 है, बस हमें यन निकालना है। यन और एन में अंतर है, याद रखना, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी मजेदार, हाँ इंग्लिश में ऐसे तो बोलेंगे ना। चलो देखो, एकदम मस्त मस्त सवाल है यार, अगर तुम थोड़ा सा भी बुद्धि लगा लो। ये 78 दिया है, ये कमान 3 दिया है, हाँ ये ही तो हमें निकालना है। अच्छा, ये लो ये लो, ये 3 इधर से आया, इधर माइनस में हो गया, एन माइनस 1 × 5, देखो ये 75 हो गया, 5 इधर गुणा में, इधर आया भाग में हो गया, एन माइनस 1 ये कट गया बबुआ, 15 हो गया, ये 1 इधर माइनस में, इधर आया प्लस में हो गया, बराबर एन हो गया, ये दोनों जुड़ गया, हाँ यानी जो 16वां पद है वो क्या होगा? 78 होगा। आंसर कितना हो गया? 16। सभी को बात समझ में आई, हजम हुई, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं हजम हो रही। पर 5 है, ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर एक सीरीज दी गई आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बहुत आसान है, सिंपल सा है, देखो कैसे। फर्स्ट में है 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो बेटा इसमें सबसे पहले लिखोगे दिया है, गिवन गिवन, क्या क्या दिया है इसमें? हमें फर्स्ट टर्म दिया है, पहला पद दिया है 7, उसके बाद डी यानी कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर होता है वो भी दिया है, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, चाहे इसमें से इसको या इसमें से इसको, कोई भी एक घटा लो, तो 6 दिया है। इसमें हमें ए एन दिया है, 205 दिया है, मतलब अंतिम पद लास्ट पद दिया है। तो भैया सीधी सी बात है बाबू, इनमें एक छोटा सा सूत्र लगाओगे जो हर जगह लगाते आए हो, ये यही सूत्र लगाओगे, बस इसी में आपका उत्तर पलट के आ जाएगा। ए एन का मान 205 दिया है, ए का मान 7 दिया है, और ये सॉरी एन है ना, हाँ एन माइनस 1 × d का मान 6 दिया है। हल कर लेंगे, बहुत आसान है, 205 और उधर साइड में जो 7 देख रहे हो ना, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 और × 6, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब बच्चा इनको घटाओगे, 198 आएगा, ये 6 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1, नीचे दिख रहा है, इनको 6 से काटोगे, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 33 आएगा, यानी हम कह सकते हैं 33 = n-1। अब तो तुम समझ गए होगे ना, 1 इधर आएगा जुड़ जाएगा, 33 + 1 = n, यानी फाइनल में हम यहाँ कहीं छोटा सा लिख सकते हैं कि 34 = n, मतलब कि n का मान कितना आया? 34 आया। हम कह सकते हैं कि दी गई इस समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने पद हैं बेटा? टोटल 34 पद हैं बाबू, कितने हैं? 34, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्दी करिए, वेरी फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग काफ़ी परेशान होते हो। और हाँ, जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और PVR स्टडी का चैनल नंबर 2 पर अगर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी का फेसबुक पेज अवश्य फॉलो करें, नहीं देख रहे फिर भी आप फेसबुक पे फॉलो करें, ठीक है। हर जगह एक ही नाम है, PVR स्टडी, जो कि वीडियो के नीचे देखो चल रहा होगा। हाँ चलिए, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है बेटा? ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मार्कर तो मेरा चल रहा है ना, दिख तो रहा है ना तुम्हें, ये -47 है। इसमें भी सब कुछ वैसे करना है, दिया है, गिवन, क्योंकि हम एकेडमिक में हैं तो हमें सिस्टम से लिखना पड़ता है,
ए का मान दिया है 18, डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालोगे। देखो ये इसमें से घटाना है, यानी 15 1/2 माइनस 18 यही करना है, घटा लो। ये 15 × 2 = 30, 31/2 हो जाएगा माइनस 18। हल करना तो तुम लोगों को आता है, इतना तो खिलाड़ी हो ही। तो ये हो जाएगा 31 − 36/2। अब मत कहना कैसे आ रहा है, क्योंकि तुम्हें भिन्न हल करना आता है। बराबर −5/2, यानी डी का मान जो आया −5/2 आया। और इसमें ए एन दिया है, इधर साइड में जगह है तो मैं छोटा फलिख देता हूँ, नहीं यहाँ लिख लो। चलो ए एन दिया है −47, ये इतना दिया है, यानी ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन दिया है। तो चलो हल कर लेते हैं, क्या करना क्या है भाई, सीधा सा है, ये सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान −47 है, ए का मान 18 दिया है, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान −5/2, जो कि अभी अभी हम लोगों ने खोजा है। ये −47 −18 हो जाएगा, क्योंकि 18 उधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2, इनको दोनों को जोड़ लो, −65 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, बराबर एन माइनस वन। देखो बच्चा एक चीज़ समझो, चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझना है तो फिर लाइन बढ़ेगी ना। माइनस का 5/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो भैया देखो इसे साइड में समझ लो, थोड़ा सा जगह तो दिख नहीं रही, चलो समझा देता हूँ। देखो बच्चा ऐसे समझ लो, मान लो ये −65 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5/2 ना, जो भी है। तो आपको पता है ये माइनस जो 65 था वो तो अकेला है, हाँ, या फिर ऐसे समझ लो, छोड़ो, अगर ऊपर कोई नंबर है, नीचे कोई भिन्न अगर भाग में आती है, तो उसको क्या करते हैं हम, गुणा का चिन्ह लगा करके इसको पलट सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे ये −5/2 आ रहा था, इसको हल करना थोड़ा सा आसान नहीं है, हाँ, तो इसे हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या पता है तुम्हें, इसको पलट सकते हैं, यानी −65 और गुणा का चिन्ह लगा करके 2/-5, यानी वो भिन्न में जो अंश था वो हर हो गया, जो हर था वो अंश हो, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे एक ठी है, एक ठी ऊपर है, 5 से काट दो 13 आएगा, हाँ, बराबर एन माइनस वन। आपको पता है 13 को 2 में गुणा होगा 26 होगा, कितना होगा 26 होगा, तो ये हो जाएगा 26 = n-1। अब तो तुम समझ ही गए हो, हाँ, 26 = n-1, तो एन बराबर निकालोगे 27 हो जाएगा भाई। 27 कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो 26 है ये तो ठीक है, −1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इनका मान कितना हो जाएगा 27। आप नीचे लिखोगे 27 श्रेणी में कुल 27 पद है। नंबर 7, इसके पहले के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, 6वां नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि उस एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 31st टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, जबकि इसमें दिया है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए बहुत ही सिंपल सा है ये, हमें दिया है गिवन A11, कितना दिया 38, और इसमें दिया है क्या A16, कितना दिया है 73। हमें 31st पद ज्ञात करना है, सिंपल सा फार्मूला हम लगा के 31वां पद निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें A और D मालूम होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो हम इन दोनों की सहायता से ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, कैसे, देखो बच्चा ये फार्मूला होता है ऑल इन वन, आप सबको पता है, हाँ, एन माइनस वन इंटू डी, ये हर एक क्वेश्चन में लगता है। ए इलेवन मतलब कौन सा पद है, ये कौन सा है भैया, अरे ए इलेवन मतलब कौन सा दिया है, 38वां पद है ना, तो ए का मान हमें नहीं पता है, एन मतलब 11वां है, −1 × d, यहाँ पर आगे बढ़ते चलो, तो a प्लस ये 10d, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसमें से घटेगा 10 हो जाएगा, ये d का गुणा हो गया, ये 1st समीकरण बन गया। इसी तरह से इसमें करोगे बच्चा, तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। a11 का वैल्यू 73 दिया है, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समझ में आया। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा लेंगे,
ठीक है, आप लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समीकरण, ये सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, नीचे दिख रहा है ना आपको? ऐसा तो नहीं कि मैं नीचे लिखूं और वो बाहर कहीं चला जाए ना दिखाई पड़े, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो समीकरण दो आपका जो दिया गया उसे लिख लेते हैं, भाई इतने समझदार हो तुम, चाहे तो हम इसको आगे लिख लें, इसको पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम वैसे कर लेते हैं जिससे देखने में भी सुंदर लगे। हाँ ये लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला समीकरण है a प्लस 10d बराबर 38, दोनों घटाना है घटा लो। हाँ सभी चिन्ह बदल जाते हैं घटाते टाइम, समीकरण घटाना तुम जानते हो, कक्षा 9 में पढ़े हो। इनको घटाओगे बच्चा क्या होगा, ये 5d, और ये इसमें से घटेगा जब, देखो ये बराबर का साइन है और यहाँ पे चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा। आप घटा के देखो, इसमें से 5 आएगा और ये 3 यानी 35 आएगा ना, ठीक है। डी का मान कितना आएगा बेटा यहाँ से, 5 × 7 = 35, आपको पता है जब उधर 5 जाएगा तो भाग में हो जाएगा 7 आएगा डी का मान, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें डी का मान मिल गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लो नीचे, जैसे समीकरण हल करते आए हो जिंदगी भर बुढ़ा गए वैसे करना है। डी का मान समीकरण एक में रख दो, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, जैसे पढ़े नहीं हो यक्स का मान आ जाता था तो वाई का मान के लिए समीकरण अगले मान रख के निकाल लेते थे, तो समीकरण एक था आपका a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। रख देते हैं, d का मान कितना आया बच्चा, 7 आया है बराबर 38, तो a बराबर, देखो थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, ये 38 ऐसे ही रहेगा, ये 10 × 7 = 70 हो जाएगा, 70 जब उधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a का मान माइनस का 32 हो जाएगा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अबे ऐसे बोल दो, डी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, शुद्ध है ना। अब ए और डी का मान रख के आप 31वां पद ज्ञात कर सकते हो कि नहीं ज्ञात कर सकते हो, बता दो मुझे, अगर इसमें भी कोई आफत है तुम्हें तो। हाँ कर सकते हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, जल्दी से कर दीजिए, और जो इस सेशन को लाइक नहीं किए वो इसको करना ना भूलें। हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी भी थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी होती, समझिए। देखिए अब इधर मैं फाइनल कर देता हूँ, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें। पहले बेटा आपको ये लगाना है यहाँ तक, जैसे मैंने समीकरण एक बनाया था, फिर आपको समीकरण दो बनाना है, उसके बाद आपको ये चीज़ करना है, फिर ये करना है, और फिर ये करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर आपके कॉपी में जगह है तो आप नीचे ऊपर लिखते चले जाओ, या अगल बगल ना करो। हाँ चलो, तो अब हमें A31 पद निकालना है, 31वां पद ना, ठीक है, सिंपल सा बात है, हमें ये निकालना है, हमें नहीं पता है। चलो ये सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें 31वां पद निकालना है। हाँ तो इस पे हम क्या रख सकते हैं, इसको ऐसे ना लिखो गंदा गंदा, A31 लिखो अच्छा लगेगा। A का मान माइनस 32 आया है, मैंने n की जगह पे 31 लिखा है क्योंकि हमें 31वां पद निकालना है। यहाँ पर क्या करोगे बच्चा, A प्लस n की जगह पे 31 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 7 आया है, अभी अभी निकला था 7 आया है। क्या इधर दिख रहा है, क्योंकि ये मोबाइल में मुझे समझ में नहीं आता कहाँ तक दिख रहा है कहाँ तक नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे बार बार भाग भाग के जाके देखना पड़ता है। यही तो लफड़ा है ना, माइक्रोफोन ख़राब हो गया, इस वजह से आपकी बड़ी वाली लाइव नहीं हो पा रही, एक एक घंटे वाली। हाँ चलो ठीक है, वो भी मुसीबत दूर हो जाएगी। देखो बेटा ये घटेगा तो 30 आएगा, 30 का 7 में गुणा करोगे, फाइनल में आपका ये माइनस का 32, यहाँ से समझते चलो थोड़ा थोड़ा, 70 का वो 30 का 7 में गुणा करोगे 210 आएगा। घटाना तुम जानते हो बहुत अच्छे से, इनको A31 ऐसे उतारते जाओ, A31 उतारते जाओ अच्छा लगेगा, घटाओगे 178 आएगा, यानी आपका जो 31वां पद था वो 178 होगा। कितना मज़ेदार है ना, पूरा एक ही पेज में आ गया, हल हो गया ना, है ना, कितना अच्छा। लिख लीजिए, जो भी साथी हमारे क्लास को लाइक नहीं किए तुरंत कर दें, बच्चा जैसे माइक्रोफोन बन जाता है आपकी एक एक घंटे की लाइव चलेगी दोपहर 2 बजे से। और हाँ इस क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलना। देखो जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं ना उतना ज़्यादा मस्त क्लास होती है, दिल करता है कि कितना बड़ा पढ़ाऊँ मैं, कितना बेहतर पढ़ाऊँ, मतलब सब कुछ दे दूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, ऊपर आई बटन में मिल सकती है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए
करें, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी दी गई है जिसका चौथा पद, चौथा बोल रहा था नहीं तीसरा और नौवा, कह रहा जिसका तीसरा पद 4 है और नौवा पद -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। मतलब तीसरा पद 4 है, नौवा पद -8 है, तो कह रहा शून्य कौन सा पद होगा। भैया तीसरा और नौवा तो दिया है, फिर कौन सा पद शून्य होगा। आप अगर यहाँ जरा गौर फरमाओ तो तीसरा पद 4 है, नौवा पद -8 है, यानी ये क्या जा रहे हैं, धरातल में जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है माइनस में होता जा रहा है ना। तो शून्य जो होगा सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ लो ये नौवा पद -8 है ना, यानी ये शून्य से भी छोटा है, यानी नौवा पद के ऊपर ही होगा जो भी होगा। शून्य जो है तीसरे और नौवें पद के बीच वाला पद ही होगा, चाहे चौथा हो, पाँचवा हो, छठवा हो, सातवां, आठवां, इसी में से कोई होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे देखो, चलो सबसे पहले जो दिया है हम उसके आधार पे करते हैं। आप लोग लिखो, हिंदी वाले लिखो दिया है, इंग्लिश वाले लिखिए गिवन। कह रहा तीसरा पद यानी A3 हमें दिया है 4 एंड एक चीज़ और गिवन है A9, कितना है -8 ये दिया है। इसकी सहायता से हम प्रथम पद निकालेंगे श्रेणी का, क्योंकि हमें श्रेणी के बारे में कुछ अता पता है नहीं, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो चलिए ये अपना प्यारा सा सूत्र लगाते हैं रामबाण वाला, An=A+N-1 × D, इसी से सब निकलता है। An मतलब हमें कौन सा निकालना भाई, तीसरा ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ओके A3, और A+N मतलब चौथा भाई, इसका मान कितना 4 है ना। ऐसे ही कुछ है, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, उल्टा जा रहे हैं हमें लग रहा है ना। A3 तो ठीक है, तीसरा पद है तो यहाँ पे 3 ही रखोगे ना भाई, तीसरे पद की बात हो रही थी, n का मान 3, 4 नहीं, 4 तो ये इसका मान है, A3 का मान 4 है ना, × D। अब A3 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, A3 का मान 4 दिया है ना, A+ ये 2D, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, समीकरण एक बन गया। इसी तरह से यहाँ भी आप करोगे तो An=A+N-1 × D, बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए, दिमाग लगाइए। अगर सीखना है ना भैया बाबू तो क्लास को पूरा देखिए, ये कक्षा 10 की गणित है, यहाँ पे दिमाग लगेगा। ये नहीं कि तुम इस वीडियो को बंद करके दूसरा शुरू कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा अगर कहीं टिकोगे नहीं। रुको, समझो, कोशिश करो, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, पक्का आएगा, समझो, ठीक है। An, अब देखिए An हमें यहाँ क्या दिया है, नौवां पद दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 9 रखेंगे, ठीक है, n की जगह पे 9, और A+ तो भैया n की जगह पे यहाँ भी 9 तो रखेंगे ना, तो ये 9-1 × D, इतना ठीक है, इसमें किसी को कोई हैरानी परेशानी नहीं ना। A9 का मान क्या है, -8 दिया है, इक्वल A+ ये 8D हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपके 2 समीकरण बन गए। अब नीचे कितना दिख रहा है पहले मुझे ये बताओ कमेंट करके, क्या मैं इसके नीचे लगा सकता हूँ क्वेश्चन या नहीं, लगा सकता हूँ ना। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेना है, क्या करना भाई, सबट्रैक कर लेना बाबू, चलो लिखो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए तो ये दिया है -8 इक्वल A+8D, ये दूसरा समीकरण है। पहला क्या दिया है, 4 = A+2D, हमें क्या करना, दोनों सबट्रैक करना है। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं, कहीं नहीं दिखा तो सब माटी हो जाएगा, हाँ दिख तो रहा है ना, ठीक है। तो आप वो लाइन लिखने के बाद इसको करोगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने लगते हैं तो हर जगह, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, वो तो मैंने काट दिया तुम्हें दिखाने के लिए, बाकी घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस घट जाएगा भैया, 12 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा बाबू, ये प्लस माइनस क्या होगा पता है तुम्हें भाई, 1 + 1 - घट जाएगा 6D, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ोगे, यहाँ से जब डी का मान निकालोगे, आपको पता है कि डी बराबर ये 6 इधर गुणा में है, डी के साथ में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि D बराबर
माइनस का 12 बटा 6, हाँ ये काटोगे 2 आएगा माइनस में, डी का मान कितना आ गया माइनस का 2। बात समझ में आई, इतना लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने के बाद आगे करूँगा, इधर साइड में जगह होगी तो मैं थोड़ा और आगे कर सकता हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना बच्चा, पहले आपको इसको करना है, यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, अगर आपके कॉपी में जगह नहीं तो आप नीचे ऊपर कर लो, इतना करने के बाद आप इसको करना, इक्वेशन नंबर सेकेंड बनेगा, उसके बाद आप लिखोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जैसे आप समीकरण पढ़ते थे कक्षा 9 में, उसके बाद तब इसको करना और फिर यहाँ से डी का मान आएगा। ये चीज़ आप समझते चलोगे तो बेहतर रहेगा, जगह तो है लेकिन थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा नीचे, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर कहीं भी रख दो आपका ए का मान आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जो मिटा रहा हूँ वो देखे जाओ कि मैं क्या मिटाया हूँ, वीडियो को थोड़ा बैक करोगे तो ये फिर से लिखा दिखेगा स्क्रीन पर, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। हाँ वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, दिखेगा मैंने क्या मिटाया है। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लो जो बोल रहा हूँ, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस ये 2D, डी का मान कितना आया बच्चा माइनस का 2 आया बाबू ना, तो ये 4 इक्वल ए माइनस 4, माइनस का है आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीपल होगा माइनस में आएगा, तो ये 4 और 4 इक्वल ए, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ए का वैल्यू क्या आ गया 8, ए का वैल्यू 8 आ गया, डी का वैल्यू माइनस का 2 आ गया। निकालना क्या था वो फलाने, कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमें शून्यवां पद निकालना था। चलो निकाल लेते हैं, देखो चलो 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 इतना लिख लिए, अब हमें सारे मान पता हैं, अब हम सीधा वहीं चलेंगे जो लापता है उसी के पास, ठीक है। अब लापता क्या है उसी के खोज करते हैं, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब मान दिया है शून्य, यानी वो पद का मान दिया है, जैसे इसमें देखो 4 और माइनस 8 दिया था, इस तरह से उसका मान दिया है लेकिन n का मान नहीं दिया है। चलिए हमें an इसमें फाइंड करना है ना, ठीक है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें इसका मान तो दिया है an का 0 दिया है लेकिन n का मान नहीं दिया, याद रखना an का मान दिया लेकिन अकेले n का मान नहीं दिया है, तो ये 0 दिया है, ये मान 8 आया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 2 आया है, माइनस 2 आया है। अब देखो ये इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, ये 2 जो है इधर गुणा में है ना, इसके साथ इधर आएगा भाग में हो जाएगा माइनस का 2, तो इधर बची कह रहा है n माइनस 1, हाँ ये कटेगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 आएगा, यानी 4 इक्वल n माइनस 1, हम कह सकते हैं n का मान कितना आया 5। अब तुम कहोगे 5 कैसे आया भाई, ये माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना वो 4 के साथ, n का मान क्या है 5 आया, आप लिख सकते हो आता है पाँचवा पद का मान शून्य होगा, क्या होगा पाँचवें पद का मान शून्य होगा, उत्तर आ गया। सबको समझ में आया ना, देखो समझने के लिए थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है बाबू, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, आप लिख सकते हो अतः पाँचवा पद का मान शून्य होगा। क्वेश्चन कहता है कि AP3 15 27 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब इसका कह रहा कौन सा ऐसा टर्म्स है, कौन सा ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। जैसे कहा जाए ना, बताओ फलाने की उम्र से हाँ कितना अधिक होगी, ऐसे कुछ पढ़े हो कि नहीं क्वेश्चन कक्षा 9 में, कुछ याद आ रहा है नहीं ना। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो यक्स और वाई दो लोग हैं भैया, हाँ यक्स और वाई दो लोग हैं, जो यक्स का वजन है वो वाई के 2 गुने के बराबर है, समझना फिर से, यक्स का वजन वाई के 2 गुने के बराबर है, यानी यक्स और वाई दोनों बराबर हैं लेकिन यक्स का जो वजन हुआ है ना वाई के 2 गुने के बराबर है, तो 2 किस में गुणा करोगे, किस में करोगे चाचा भाई, इसी में तो करोगे ना, क्योंकि यक्स जो है वाई के 2 गुने के बराबर है, अब वाई 2 गुना हो नहीं गया, बराबर हो गया ना,
अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कहा जाए कि यक्ष का वजन वाई के दोगुने के बराबर है तो कहते हैं यक्ष वाला दोगुना है, ये मैं दूसरे गुणा कर देंगे, सत्यानाश हो जाता है। वैसे यहाँ पे समझना है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही है, समझो समझो समझो, बस समझने वाला सारा खेला है। कह रहा कि कौन सा पद, हमें नहीं पता कि वो कौन सा पद है, तो पहले तो हम उस पद का मान निकालेंगे। चलो हमें नहीं पता वो कौन सा पद है, मान लेते हैं ए एन है, तो आगे क्या कहता है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। भैया ए 54 इससे क्या होगा, वो 132 अधिक होगा, बस यही पूरा खेला है, इसी को हमें खेलना है। कैसे खेलेंगे ज़रा देखो, हमें ए दिया है और डी दिया है, इनको लेके हम खेलेंगे। मतलब हमें क्या करना है, ए एन का मान निकालना है, यानी वो जो पद के बारे में बात यहाँ पे हो रही है उस पद का मान कितना है, पहले हम मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर वो पद आ जाएगा, समझ गए ना। हाँ पहले इसकी जीव आत्मा तक चलो, फिर इसकी बॉडी मिल जाएगी। चलो तो ए एन इसको हम ऐसे लिखते चलेंगे। यहाँ पे ज़रा समझने वाली बात ये है कि जब कहीं ऐसे पद दिया होता था पिछले क्वेश्चन में, जैसे मान लो ए नाइन का मान दिया है, तो हम उससे क्या निकालते थे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा के निकालते थे ना, तो वैसे इसमें भी लगाएंगे। ठीक है तो चलो इसमें सूत्र लगाओ भाई, हाँ सूत्र लगाओ, एन का मान 54 रखोगे, बाकी सारे मान रख दो जो जो दिया जैसे भी, ठीक है समझ रहे हो ना। चलो तो इसकी जगह पे हम सूत्र लगाएंगे, कुल मिलाकर के ला के यहाँ रख देंगे, इधर साइड में कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा गंदा लगेगा। जैसे अगर ए 54 दिया है तो भैया हम लोग पढ़े हैं क्या, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, तो देखो बाबू ए एन हमें एन का मान 54 रखना है, कितना रखना 54, तो ये कितना है 54 दिया है, क्यों बोलो दिया है कि नहीं, हाँ इसका मान 54 दिया है ना, यानी हमें क्या करना है, इसका कुल मिला के मान निकाल लेना है, फाइनल में हमें इसका मान निकाल लेना है, बस बाकी बात छोड़ो, ए 54 का मान निकाल लेना है। ठीक है चलो तो ए प्लस एन, एन का मान 54 रखोगे, माइनस वन इंटू डी, डी का मान अभी तो फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अब दोनों इकट्ठा रखूँगा, ए का मान 3 दिया, डी का मान 12 दिया है। चलो यहाँ पे 54 नहीं रखोगे, ए 54 का मान निकाल रहे हो ना भाई, इसका मान थोड़ी दिया जो हमने 54 रख दिया, ये ऐसे रहेगा, ए 54 ही रहेगा, सॉरी ए 54 रहेगा, यानी हमें ए 54 का मान आ रहा है, मिल रहा है, ए का मान 3 दिया है, ये हो जाएगा आपका 53, हाँ भाई इसमें से एक घटेगा 53 हो जाएगा, और डी का मान कितना आया था 12, कर लो 3 प्लस ये 12 तिहाई 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 3 63, यानी 636 में 3 जोड़ोगे 639, कितना आएगा 639, यानी ए 54 का मान कितना आया 639, बोलो सही है कि नहीं। साइड में ऐसे कर देना, एग्जाम में लगाना, तब भी इसको दिखा देना, हाँ इसका फलाने का मान निकाला हूँ, समझ रहे हो ना, ला के इसका मान रख दो, ए 54 का मान कितना आया 639 प्लस 132, इनको जोड़ लीजिए आप, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, यानी वो पद जिसके बारे में हम लोग खोज कर रहे हैं उसका मान 771 होगा, कितना होगा 771 होगा, जो कह रहा था कि श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो वो पद जो इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा उसका मान 771 होगा, उसका मान होगा, लेकिन अभी वो पद नहीं आया है, नहीं अभी नेताजी की संपत्ति के बारे में मालूम चला, अभी नेता का नाम नहीं पता है, अभी वो निकालना है। चलो इतना कर लिए हो तो मैं मिटाऊँ इसे, सबसे पहले क्या करोगे, कॉपी में एग्जाम में लगाओगे तब भी इतना करोगे, इसके जस्ट बगल में इसका मान निकालोगे, ठीक है, चाहे तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है समी, मतलब ए 54 का मान इसमें रखने पर, नहीं तो ना ही लिखोगे कुछ तब भी ठीक है, ऐसे कर देना बगल बगल में, ठीक है जान जाएंगे। हाँ चलो अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एन का मान, मतलब वो कौन सा पद है, तो चलो भैया मान इसका आ गया 771, याद रखना, हाँ यानी वो पद जिसका मान 771 है, अब हमें उसका मान निकालना चाचा। एन का मान कहाँ रखोगे पता है तुम्हें, एन का मान तो रखना ही नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जरा सावधानी पूर्वक, इसका मान 771 आया है, ए का मान कितना आया है भैया, आया तो है ना कुछ 3 आया है, प्लस एन, इस एन का मान नहीं दिया हमें, यही निकालना है, डी का मान कितना है 12,
तो आप यहाँ जरा ध्यान देना, 771 इधर दिख रहा साइड में ना, ऐसा तो नहीं कि उधर घुस जा रहा है बाहर निकल जा रहा, फिर तुम कहोगे दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उधर और किनारे नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, सावधानी से। तो ये 771 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना ठीक है, बराबर n माइनस 1 और इंटू इसको 12 लिख लो, इसमें से घटाओगे तो 768 आएगा। भैया ये 12 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, इनको काट दो, 12 6 72, हाँ 12 6 72, 12 4 48, 64 आएगा, कितना आएगा 64 आएगा। इसके बाद हम यहाँ हल कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा जगह कम है, यहाँ पे केवल 64 बच रहा है, तो हम कह सकते हैं 64 बराबर n माइनस 1, यानी 64 प्लस 1 बराबर n, 65 बराबर n, यानी वो कौन सा पद है, 65वां पद है, कौन सा पद है, 65वां पद है, जिसका मान इसके 54वें पद से 138 अधिक होगा। समझ में आया ना, हाँ आया समझ में भैया, कितना समझ में आया, पहले जितना बताया था उतना करना, फिर इसको करना साथ में बगल बगल में, फिर इतना करना, आप नीचे लिख दो, अतः वह 65वां पद है जिसका मान इसके श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है हमारे मतलब लिए, जो हमसे आप करना चाहते हो अच्छा बुरा, उसे आप कमेंट करके बताइए, हम उसे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और छात्रों अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे से लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से बड़ी बड़ी क्लास के लिए आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको शुल्क जमा करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाया जाता है, हाँ मतलब आपको पूरा कोर्स सिस्टम से मिलेगा, जिम्मेदारी से आपका कोई डाउट होगा वो भी बताया जाएगा, आप पूरा कंप्लीट गणित घर बैठे पढ़ पाएंगे। उसके लिए इस नंबर पर आप संपर्क करें, उसके लिए आपको लिख के भेजना है ज्वाइन पेड 10th, ठीक है, ये लिख के व्हाट्सअप करना है, लेकिन याद रहे इसके लिए आपको फीस जमा करना पड़ सकता है। कह रहे कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब कोई दो AP दी गई हैं जिनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। आगे कहता है कि यदि इनमें 100वें यानी कि 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर दो AP की बात हो रही तो हम मानेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे माना पहली समांतर श्रेणी या AP, ठीक है, पहली AP हम लोग मानेंगे, कौन सी, A1 A2 A3 .. AN, जो कि आप जानते हो पहले से। तो इनका जो सूत्र होता है आप सबको पता है, हाँ AN बराबर होता है A+(n-1)(D), ये सबको पता है। दूसरी AP भी साइड में मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी, वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे ये B1 B2 B3 .. BN, तो जैसे ये थी तो इसका सूत्र ये बन रहा था, उसी तरह से इसका भी फार्मूला ये बन जाएगा। A1 जहाँ पर ये सॉरी AN जहाँ हो रहा था वहाँ पर आप BN लिखोगे, और ये B+(n-1)(D), ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा था कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो n की जगह पे आप 100 मान लोगे, मतलब A100 इक्वल A+, ये 100 हो जाएगा n की जगह पे, बाकी वैसे ही रहेगा, तो A100 यानी कि आपका जो 100वां पद है A+(99D), ये आ जाएगा। इसमें अगर हम इस तरह से मानेंगे, क्योंकि दोनों में 100वें पदों का अंतर बोल रहा था, तो पहले दोनों श्रेणी का 100वां यानी कि 100वां पद निकालेंगे, तो ये हो जाएगा B+, और इसमें भी वैसे ही मान रखेंगे, तो सेम टू सेम B100 इक्वल B+(99D) आएगा। इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं, आप समझते चलिए, ना मानिए तब भी ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो इतना हो गया, अब नीचे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, वैसे तो मैं इसको मिटा दूंगा तब प्रश्नानुसार लिखूंगा, मुझे लग रहा जगह कम है, ठीक है, नहीं तो पूरा आएगा नहीं। तो इतना आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, हो गया इतना, ये जो आया याद रखना। अब A100 इक्वल A+(99D),
यही आया है ना, और बी 100 का भी वैल्यू आ गया। तो प्रश्नानुसार करके क्या करोगे, दोनों को घटा लो, क्योंकि कह रहा था कि इनके 100वें पद का मान कुछ दिया है, समथिंग जो भी दिया है ना। तो लिखिए, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब हिंदी में लिख लो प्रश्नानुसार। लिखो जल्दी से भाई, फटाफट ऐसे प्रश्नानुसार। A100 माइनस B100, क्यों, यही तो बोल रहा था ना, ऐसे ही तो कुछ बोल रहा था करने को कि A100 माइनस B100 इसका मान कितना है, 100 है, यही बोल रहा था ना। तो ये इसका मान 100 दिया है, A100 का मान अभी अभी आया है A+99D, बोलो यही आया था ना, यही आया था। माइनस B100 का मान आया था B+99D इक्वल 100, इतना ही आया था। ये प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन आप कहोगे ये कैसे, एक्चुअली यहाँ पे माइनस है, इसको लिखते समय हमें इसे ऐसे कोष्ठक में लिखना चाहिए। हाँ, अब जब ये कोष्ठक ओपन होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा A-B इक्वल 100, ये आपका इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट मान लो। अगर आपने पीछे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड माना था, इसको थर्ड मान लो, नहीं तो मैंने नहीं माना था तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये तो 100वें पद की बात हो गई, इसमें कह रहा था कि 1000वें पदों का जो अंतर है वो ज्ञात करना है। तो अब हम 1000वें पद में आ जाते हैं, ठीक है। अगले में लिखो इसी प्रकार एपी का, हाँ, पहली एपी का 1000वां पद। तो इसी प्रकार पहली एपी का 1000वां पद क्या हो जाएगा भैया, A1000 इक्वल, जैसे उसका आ रहा था सेम टू सेम वैसे ही होगा, जहां उसमें 99D हो रहा था, इसमें कितना हो जाएगा, 999D, बस इतना ही तो बनेगा ना। दूसरी एपी का 1000वां पद ऐसे ही बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 99 की जगह पर 999 हो जाएगा, मतलब 19 और बढ़ जाएगा बस। तो ये आपका क्या बन गया, इस तरह से दोनों एपी का 1000वां पद हो गया, लेकिन इन 1000वां पद नहीं पूछा था, इन पदों का अंतर पूछा था। तो अब दोबारा से, हाँ, फिर से प्रश्नानुसार या लिख लीजिए। तो फिर से प्रश्नानुसार करोगे तो क्या होगा, A1000 माइनस B1000 इक्वल ये A+999D, और माइनस इधर साइड में नहीं दिखेगा तो फिर कमेंट करिएगा कि हाँ इसके बाद नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, बाकी तो सही चल रहा है। तो ये हो जाएगा B+3×99D, ठीक है। अब देखो ये कोष्ठक खुलेगा, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो A1000 माइनस B1000 इक्वल A-B, ये बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा इससे, अभी कोष्ठक खुलेगा माइनस हो जाएगा, इतना तो आप जानते हो, 10th में पहुंचे हो। तो A-B का मान अभी अभी आपने निकाला है, कितना आया, 100, 100 आया ना। नीचे लिख लीजिए समीकरण एक से ब्रेकेट में बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, हो गया आंसर, यानी इनके जो 1000वें पद का अंतर है वो भी क्या है, 100 है। समझ में आया, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं, और इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कुछ आपको होमवर्क के लिए छोड़ा गया था, उसे खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से छात्रों की कंप्लेन होती है कि मुझे क्लास नहीं मिल पाती। तो भैया क्लास तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करोगे, ठीक है। चलिए, कह रहा कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों का मतलब ये पहली श्रेणी और ये दूसरी श्रेणी के यनमें पद बराबर होंगे, मतलब यन का वो कौन सा मान है जिसके लिए दोनों समांतर श्रेणी के जो यनमें पद हैं वो बराबर होंगे। जैसे चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया, इसमें देखो तीसरा पद 17 है, वैसे यनवा पद, यनवा पद का मतलब हमें कुछ नहीं पता वो कौन सा पद है, मतलब लास्ट वाला सबसे बड़ा पद। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसी में कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए लिखिए, गिवन
हिंदी में वाले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। इधर साइड में आप एक काम करो, दो कॉलम बना लो तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे लिखिए पहली एपी, ठीक है, क्योंकि हम दो एपी के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहना चाहिए। यहाँ पे आप लिखिए पहली एपी, पहली एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें दिया है क्या क्या दिया है, ए मतलब पहला पद 63 और डी कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, भैया घटा लो इसमें से, देखो दो आएगा सब में से तो दो दिया है, क्या दिया है 2। यहाँ पे बगल में लिख लीजिए दूसरी एपी, हिंदी मीडियम वाले ऐसे भी लिख सकते हैं पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी। दूसरी समांतर श्रेणी आपको दिख रही 3, 10, 17 वाली, इसमें देखिए ए बराबर दिया है 3 और डी बराबर कितना दिया है, 17 से 10 घटाओ कितना आएगा 7, 10 से 3 घटाओ कितना आएगा 7, यानी यहाँ पर जो डी दिया है 7 दिया है, ठीक है। यहाँ से हम दो इक्वेशन फाइंड करेंगे यानी समीकरण प्राप्त करेंगे और फिर वहीं से हम क्या करेंगे, एन का वो मान निकालेंगे, कौन सा जो यहाँ पे पूछ रहा था कि एन के किस मान के लिए श्रेणी का एनवा पद दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर का मतलब ये है जैसे इसमें पहला पद 3 है तो इसमें भी पहला पद 3 होना चाहिए, इसमें पांचवा पद 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए, तो वैसे एनवा पद एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का बराबर हो जाएगा और वो कितना होगा मैं पहले बता दूँ, 87 होगा। हाँ जैसे इसमें देखो तीसरा पद 17 है, वैसे एनवा पद क्या होगा लास्ट में, जो चलो पहले देखो अभी समझ में ना आएगा, ये फार्मूला है ना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, श्रेणी का ये मास्टर सूत्र है, इसे याद रखिए, इसी सूत्र में सब कुछ होता है घुमा फिरा के। ए एन, ए एन, एन का मान तो हमें दिया नहीं है इसमें, ए का मान 63 दिया है धन, इस वाले एन का भी मान हमें नहीं दिया है, हाँ डी का मान 2 दिया है, इस तरह से आपका ये आ जाएगा ए एन बराबर 63 प्लस ये 2n-2, ये प्लस है ये माइनस है घट जाएगा, नीचे नहीं दिखेगा तो बताइएगा कमेंट करके और हम उसके नीचे फिर नहीं लिखेंगे, वैसे तो अभी बहुत नीचे दिख रहा है सो डोंट वरी। चलो इधर आओ, देखो देखो ये कितना आएगा, ए एन इक्वल 2n को पहले कर लीजिए अच्छा लगेगा, प्लस 61, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसको ऐसे इसलिए करते हैं कि जिसमें चर पद लगे होते हैं वेरिएबल्स वाले उन्हें पहले लिखा जाता है, जो कंस्टेंट होते हैं उन्हें बाद में लिखा जाता है सीरियल से, ठीक है, ना लिखोगे तब भी कोई बुराई नहीं है, तुम इसे उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, मतलब कोई नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में और हल करने में आसानी होगी। इसमें भी वैसे ही करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है, क्योंकि यही मतलब दिख रहा है जो चर्चा हो रही इसी के बारे में हो रही, ए का मान 3 दिया है, एन का मान नहीं पता है, डी का मान 7 दिया है, इस तरह से हल करेंगे तो ये 3 धन ये हो जाएगा 7n-7। आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 3 प्लस में है 7 माइनस में है, 1 प्लस 1 माइनस घट जाएगा, जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो फाइनल में ये आएगा बच्चा 7n-4, यानी ए एन बराबर ये इतना आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ध्यान दीजिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के एनवें पद बराबर होंगे। अगर बराबर करने की बात बोल रहा है तो दोनों का एनवा पद है ये, हाँ भाई ए एन का मतलब एनवा पद है ना बच्चा, अगर दसवां पद होता तो यहाँ नीचे 10 लटका रहता, तो इन दोनों का जो है मान बराबर कर दोगे, यानी मोटा मोटा बोलें तो दोनों समीकरण आपस में बराबर कर दोगे, फिर एन का मान आ जाएगा और वही उत्तर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे चलेंगे, बहुत जल्दी करिए, फास्ट जल्दी करिए, हो गया। चलिए देखिए, अगर आप तेज से नहीं लिख पाते हो, ऐसे कोई लिख नहीं पाएगा इतना तेज, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, पढ़े लिखे हैं स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं ना, मोबाइल के तो मास्टर हो ही। चलो तो दोनों इक्वेशन बराबर करिए और जल्दी से मुझे एन का मान निकाल के बताइए कितना आएगा, कमेंट करिए, कमेंट हम सबका देख रहे हैं जो कमेंट कर रहा है। देखो बच्चा, अगर हम आप ही लोग का नाम बोलते रहते हैं ना तो ये क्लास आगे नहीं बढ़ पाती है, कुछ लोग सोचते हैं ये लाइव नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये तो वीडियो है, तुम गधा हो का एकदम से, लाइव है या वीडियो है जो भी है, इंसान को आके पढ़ाना पड़ता है ना, तभी तो होता है ना ये, है पता नहीं कि बटन दबाया बस मेरी शक्ल बन गई और रिकॉर्ड हो गया, काम तो करना पड़ेगा ना। देखो इधर, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व
समीकरण दो से दोनों को बराबर कर लीजिए। दोनों को बराबर करोगे कैसे? इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर लो भाई। ये 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस 4, तो ये 2n माइनस का 7n माइनस का 4 माइनस का 61, यहाँ से माइनस का 5n बराबर माइनस का 65, n बराबर 13 आएगा। कैसे आएगा? दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, चोर चोर मोसे रे भाई, समझ में आया? तो ये हो गया प्लस। अब आप लिख सकते हो n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के मान बराबर होंगे। n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n में पद आपस में बराबर होंगे। और जिन लोगों को थोड़ा शंका लग रही है कि भाई गलत पढ़ाया सही पढ़ाया, ये मैथमेटिक्स ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें हर चीज़ सिद्ध होता है, तुरंत जांच होती है, अपने आप से होती है, इसमें कोई CBI वगैरह नहीं लगानी पड़ती, सारी जांच आप खुद से कर सकते हो। वो कैसे पता है? देखो इधर मैं बता दे रहा हूँ, वो भी कर लेना। अगर तुम्हें शंका लग रही है सही है गलत है, तो जो दोनों समीकरण दिए हैं ना उसमें यन का मान 13 रखो, यन का मान 13 रख के देख लो दोनों बराबर आएगा आपस में। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं उसको भी करके दिखाई देता हूँ। हो गया, एग्जाम में तुम्हें इतना ही करना है, वो तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं आगे करवा रहा हूँ, देख लो। हो गया, ठीक है। अब देखिए यन का मान 13 आया था ना, अगर वो मान सही है तो दोनों समीकरण में आप यन का जगह 13 रखो, दोनों का मान एक ही आएगा। और अगर नहीं आया तो फिर आज के बाद मत देखना कहना कि भाई सब गलत पढ़ाता है, सब गड़बड़ है। देखो समझो कैसे, ये 2 × 13 धन ये 61, 7 × 13 माइनस 4, 13 × 26, अब तुम्हें पहाड़ा वहाड़ा तो आना ही चाहिए, अब इतना भी नहीं आता तो फिर क्या होगा? 13 × 7 = 91 माइनस 4 26 जोड़ लो, ये 7 आएगा, ये 8, इसमें से 4 घटाओगे 87 आएगा। तो बच्चा दोनों बराबर आया ना, इसलिए क्या है n बराबर 13 के लिए दी गई दोनों श्रेणी के n में पद आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कुल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, और इसके पहले के मैंने सारे बता दिए हैं, कुछ होमवर्क दिया गया, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, सिंपल सा है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार समझ लोगे फिर आप खुद से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा कि AP 3 8 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये श्रेणी दी गई है, इसका पीछे से 20वां पद ज्ञात कीजिए। पीछे से 20वां पद का मतलब समझ रहे हो कि नहीं भाई? देखो कभी कभी होता है, जब एग्जाम कोई होता है, कोई टेस्ट होता है, कोई बच्चा टॉप करता है, तो टॉप करता मतलब वो आगे से पहले नंबर पे होता है, और कोई ऐसा बच्चा भी होता है जिसका सबसे कम नंबर होता है, तो वो पीछे से पहले नंबर पे होता है, बोलो होता है कि नहीं? तो वैसे क्या करना है, इसमें पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए करेंगे कैसे। पहली बात तो हमें ये नहीं पता है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। कुछ लोग कहेंगे इसमें तो 253 पद हैं, बच्चा ये 253 पद नहीं है, बताएं क्या है, ये पहले पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद क्या है 13 है, और ये भी कोई पद का मान है जो 253 है, ये पद नहीं है कि यहाँ 253 पद है, नहीं, ये मान है, उसका वैल्यू है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस श्रेणी में कुल पद कितने हैं, तभी तो हम पीछे से निकालेंगे आगे से ना। जैसे अगर कोई गिनती गिनने को कहे कि 10 तक गिनो और 10 में पीछे से दूसरी गिनती बताओ, तो हमें यह तो पता है कि कुल गिनती 10 तक है, तभी तो पीछे से दूसरी गिनती गिनेंगे ना। तो वैसे इसमें हम पहले पता करेंगे कुल कितने पद हैं, कैसे निकालेंगे, देखो यहां से ध्यान दीजिए। यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, गिवन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया भैया? देखो बच्चा यहाँ पे पहला पद दिया है, पहला पद मतलब ए दिया है जो कि 3 है, डी का मान दिया है कॉमन डिफरेंस, आप देखो इनको घटा के एक दूसरे से 5 आएगा, और यहाँ पर ए एन दिया है मतलब अंतिम पद दिया है, अंतिम पद नहीं, अंतिम पद का मान दिया है ए एन, ठीक है, केवल एन होता तो अंतिम पद होता, लेकिन ए एन का मतलब अंतिम पद का मान, वैल्यू, लास्ट टर्म्स की वैल्यू दी है। अब हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो देखो बच्चा ये फार्मूला लगाओगे सार्वजनिक वाला जो आप देखते आए हो, हाँ ये मास्टर सूत्र है इस चैप्टर का, ये इसमें ए का वैल्यू कितना है 3 है, एन का वैल्यू कितना बच्चा, एन का तो निकालना है, यही तो पता नहीं है, 5 का कितना है 5 है, ओ सॉरी डी का मान 5 है, और ए एन का मान 253 दिया है, ठीक है। अब मज़ा आई ना थोड़ा बहुत, और ना आई हो ना तो क्लास को तुरंत पहले लाइक करो, तब और मज़ा आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री पढ़ना, हाँ चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो 253 ये 3 इधर आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। इसको घटाओगे बेटा तो 250 आएगा, आपको पता है n माइनस 1 और ये 5 जो है गुणा में है, इधर आएगा जब उधर से तो ये भाग में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, इसको काटोगे तो 50 आएगा, हाँ बराबर n माइनस 1। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बता दो, नीचे तो बहुत नीचे तक दिख रहा है, मतलब लंदन तक दिख रहा है ना। चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यन का मान कितना आएगा, 50 धन 1 बराबर यन, यानी 51 बराबर यन, यन का मान 51 आया। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इस श्रेणी में कुल 51 पद हैं। कितने पद हैं, 51 पद हैं, यानी श्रेणी का जो 91वां पद है वो 253 है। श्रेणी का जो चौथा पद है, चौथा पद कितना है, 13 × 5 = 18 होगा, हाँ चौथा पद 18 है, तीसरा पद 13 है, दूसरा पद 8 है। मैंने चौथा पद कैसे बताया, जो सर्वांतर होता है ना उसे इस पद में जोड़ोगे तो अगला पद आ जाएगा। पूरी श्रेणी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है ना। चलो तो हमें फिलहाल उससे मतलब है नहीं। अब हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है कि पीछे से 20वां पद कौन सा होगा, पीछे से 20वां पद कौन सा होगा। 20वां पद मतलब समझो, 20वां पद का मतलब ये है, इसको मैं मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आगे बात करते हैं, जल्दी करो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ टाइम है आपके पास, हाँ तभी मज़ा आएगा लिखने में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कोई 20वां पद क्या होगा, अगर श्रेणी में कुल 51 पद है, 51 पद है, तो 20वां पद क्या होगा, मैं बताऊँ, देखो बहुत सिंपल है, आप श्रेणी से 19 पद घटा दो, हाँ 19 पद घटा दो पीछे से, फिर जो आएगा वो 20वां पद होगा। भाई सिंपल सी बात है, आप लिखो यहाँ पे, चूँकि श्रेणी में कुल 51 पद हैं, ये कैसे पता चला, अभी मैंने निकाला है इनका मान ना, अतः श्रेणी का 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 51 - 19। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम 20 घटा दोगे तो 20वां पद नहीं होगा, फिर वो 19वां पद हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। पीछे से हमें निकालना है, याद रखना पीछे से, तो बराबर कितना आएगा, 32, यानी हमें 32वां पद निकालना है। गिन लो 51 से, ऐसे गिनते आओगे, 51 पहला पद हो गया, 50 दूसरा पद हो गया, पीछे से 49 तीसरा पद हो गया, 48 चौथा पद हो गया, ऐसे ऐसे गिनते आओगे तो 32 क्या होगा, 20वां पद होगा, ठीक है क्लियर। चलिए अब हम 32वां पद का मान निकालेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 253 दिया था, तुम सबको पता है, ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें हमें 20वां पद निकालना है, मतलब 32वां पद का मान निकालना है, तो हम रखेंगे ए 32, हाँ 32वां पद, ए का मान कितना है, 3 है, एन माइनस 1, एन का वैल्यू क्या रखोगे बच्चा, 32 रखोगे, माइनस 1, डी का मान 5, सारे मान रख दिए गए, बस निकाल लो हल करके, बहुत आसान है। ये 3 धन 31 गुणा 5 बराबर 3 प्लस 5 एकम 5, 5 3 15 इक्वल 158। ये जो 32वां पद आया वो कितना आया बच्चा, 158 आया, कितना आया, 158, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, कह रहा कि किसी एपी के चौथे और आठवें पद का जो योगफल है वो 24 है, और उसके छठवें और दसवें पद का जो योगफल है वो 44 है। तो इस एपी का आपको 3 पद ज्ञात करना है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। देखो बच्चा, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सर्वांतर पता होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो। चलिए हम वही करते हैं, अब हम लिखेंगे दिया है। देखो इसमें दिया क्या है, जरा ध्यान दीजिए, कह रहा कि चौथे और आठवें पद का योगफल 24 है, तो मैंने A4 और A8 बराबर क्या कर लिया, 24। इसी तरह से बच्चा ये छठवां और दसवां पद जोड़ोगे तो एक क्वेश्चन बन जाएंगे, वहां से A और D का मान आ जाएगा। इस तरह से श्रेणी के कितने भी पद निकाल सकते हो, ठीक है। तो चौथे पद देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, फिर मैं वहां रखूंगा। देखो बच्चा, चौथे पद का मान तो नहीं दिया हमें, लेकिन हमें चौथा पद दिया है, यानी ये जो फार्मूला होता है, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना, ये फार्मूला होता है ना, यहाँ पे एन होता है ना बच्चा, होता ना बाबू, तो इसमें ए एन का वैल्यू तो हमें नहीं दिया,
लेकिन हमें यन का वैल्यू दिया, कुल मिला के ऐसे दिया है ए फोर, यानी यन का मान दिया, ए एन का नहीं दिया। तो ए प्लस ये यन, यन की जगह पे आप चार रखोगे तो ये चार माइनस वन इंटू डी, फाइनल में ए प्लस तीन डी आएगा। मतलब आप समझ पाए ना, तो ए फोर का मान हम कितना रखेंगे भैया, ए प्लस तीन डी, हाँ ए फोर की जगह पे क्या रखेंगे, ए प्लस तीन डी, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। इसी तरह से बच्चा जब तुम इसके आठ के साथ में करोगे तो ए प्लस ये सेवन डी आएगा और बराबर ये होगी, इतना कर लोगे इसमें कोई परेशानी नहीं। ये ए और ए जुड़ जाएगा तो हो जाएगा दो ए सेवन डी और ये तीन डी हो जाएगा दस डी बराबर चौबीस। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसे हुआ यहाँ से समझ, इसी तरह के ये सेवन डी भी इसी तरह से आए। अब देखो बच्चा ये पहली कंडीशन थी बाबू कि इनके जो चौथे और इनके आठवें पद का योगफल था चौबीस था। दूसरी कंडीशन है छठवें और दसवें पद का, तो आप नीचे लिखोगे इसी प्रकार प्रकार लिख लेना ठीक है, इसी प्रकार ए सिक्स प्लस ए टेन ट्वेल्व फोर्टी फोर, इनके मान भी इसी तरह से आप रख दोगे जैसे अभी हमने ए फोर का वैल्यू निकाला था यहाँ दिखाया था। तो ये बच्चा आ जाएगा आपका ए प्लस ये फाइव डी आएगा प्लस ए प्लस ये नाइन डी आएगा इक्वल फोर्टी फोर। ये निकालना मैंने अभी सिखा दिया, आप जान गए हो, इसमें कुछ बताना नहीं है, है ना, जान गए हो ना भैया ना बाबू। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, नहीं गड़बड़ नहीं लग रहा, ठीक है। अब ए ए जुड़ेगा दो ए नौ पाँच जुड़ेगा फोर्टीन डी बराबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। समीकरण एक और दो की सहायता से आप इन्हें हल कर डालो फटाफट और फिर मुझे बताना। चलो देखो समीकरण एक और दो से, एक हुआ दो से नीचे में दोनों इक्वेशन अभी जगह है उसमें हो जाएगा प्लस टेन डी इक्वल ट्वेंटी फोर, ये हो जाएगा आपका टू प्लस फोर इक्वल फोर्टी। ऐसा कुछ करिए कि इसमें डी वाला पद या फिर ए वाला पद कट जाए, आपको पता है आपने समीकरण पढ़ा है कक्षा नौ आठ में मैंने पढ़ाया है, तो दोनों को घटा देंगे। जब घटाते हैं समीकरण तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कट जाएगा खत्म हो जाएगा मतलब भी आ जाएगा, ये दोनों घटेगा बेटा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का फोर डी इक्वल माइनस का ट्वेंटी। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, हाँ पूरा दिख जाएगा। चलो चलो माइनस का फोर डी इक्वल क्या आएगा, माइनस का ट्वेंटी। तो यहाँ से बच्चा नीचे हमारे में जगह नहीं इसलिए बगल में कर ले रहा हूँ, आप जब डी का मान निकालोगे माइनस का ट्वेंटी अपान माइनस का फोर, हम कह सकते हैं का मान पाँच आएगा, इतना लिख लीजिए उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इतना कर लिए, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लगाओगे, देखो हमारे में जगह नहीं, हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप समझ लो पहले इतना लगा लेना ऐसे सीधा सीधा फिर यहाँ आ जाना। अब यहाँ पे आप लिखोगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर लिख लेना लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, तो टू ए प्लस आपका दस डी बराबर चौबीस, ये समीकरण एक था। तो डी का मान रख दो भैया, पाँच आया बाबू, टू ए प्लस दस गुणा पाँच बराबर चौबीस, ठीक है, ये हो जाएगा टू ए बराबर ये चौबीस माइनस पचास, क्योंकि ये पचास जो है भाई गुणा होगा पचास हो जाएगा, इधर प्लस में रहेगा उधर जाएगा माइनस जाएगा। तो ए बराबर निकालोगे इसमें से घटाओगे माइनस का छब्बीस आएगा बटा क्या आएगा दो, तो क्यों आएगा क्योंकि ये जो दो है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, फाइनल में आएगा माइनस का तेरह। ये हमें ए का मान मिल गया डी का मान मिल गया, आप श्रेणी कंप्लीट हो गई, सामने से हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया डन। चलिए अब देखिए अब लिखो अतः श्रेणी के तीन पद बराबर, अतः श्रेणी के तीन पद बराबर, देखो समझो मतलब फाइनल में आप लिखोगे क्योंकि यही पूछा था, श्रेणी का तीन पद पूछा था, अतः श्रेणी के तीन पद बराबर। देखो बच्चा प्रथम पद क्या आया भाई, ए प्रथम पद होता है माइनस का तेरह आया है और डी का मान पाँच आया है, तो बेटा दूसरा पद क्या हो जाएगा माइनस का तेरह धन पाँच माइनस का आठ आएगा, हो गया। तीसरा पद क्या आएगा
इसमें अगला फिर से सर्वांतर जुड़ेगा माइनस का तीन आएगा, क्या आएगा माइनस का तीन। अगर अगला पद भी बोल रहा है और फिर घटा लो आएगा क्या होगा भाई, इसके आगे का भी पद बोल रहा है तो माइनस का तीन आया है, धन का पाँच करो प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है दो आ जाएगा प्लस में चला। तीन पद बोला था मैंने चार निकाल दिया, इसके आगे और भी ऐसे निकाल सकते हो, अगला क्या हो जाएगा सात हो जाएगा। हो गया समझ में आया ना, ये फाइनल आंसर हो गया आपका माइनस तेरह माइनस आठ माइनस तीन केवल इतना। हाँ तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो पढ़ते हैं क्या दिया गया साइड में आप देखिए आते हैं, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में पाँच रुपये की बचत की थी और फिर अपनी बचत को वो एक रुपया पचहत्तर पैसे बढ़ाती गई। कह रहा कि यदि नवें सप्ताह में मतलब पहले सप्ताह में पाँच रुपये बचाया, दूसरे सप्ताह में एक रुपया पचहत्तर पैसे और बढ़ा दिया, तीसरे सप्ताह में फिर और बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बढ़ाती गई, नवें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो बीस रुपया पचहत्तर पैसे हो जाती है, तो ये उनका मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है सिंपल सा है, फिर साइड में आ जाओ देखो यहाँ से कैसे समझने की कोशिश करो। हल यहाँ लिखिए प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत ठीक है, या फिर ऐसे प्रथम सप्ताह में बचत बराबर पाँच रुपया है ना। तो भैया दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, दूसरे सप्ताह में बचत कितना हो जाएगा पाँच रुपया में जरा 175 बढ़ाती गई, तो यानी ये हो जाएगा छः रुपया पचहत्तर पैसा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। कैसे? ऐसे हो जाएगा, पाँच रुपया में हमें क्या करना है एक रुपया पचहत्तर पैसे जोड़ना है, जोड़ना तुम सभी जानते हो दशमलव वाला जोड़ ऐसे होता है, ये छः रुपया पचहत्तर पैसा हो जाएगा ठीक है। इसी तरह से बच्चा तीसरे सप्ताह में ध्यान दो, तीसरे सप्ताह में बचत कितना हो जाएगी, अब जितना हुआ है ना इसमें एक रुपया 75 पैसा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हर महीना क्या कर रही, पहले सप्ताह में पाँच रुपया बचा ली, फिर अगले महीने में एक रुपया पचहत्तर पैसे बचा रही, उसके अगले महीने में भी एक रुपया पचहत्तर पैसे बचा रही है, तो ऐसे ऐसे वो बढ़ाते जा रही है, तो इसमें एक रुपया पचहत्तर पैसे और जुड़ जाएगा। ये जोड़ लो पाँच पाँच दस हासिल एक सात एक आठ एक सात, क्यों एक हुआ है ना, पाँच पाँच दस हासिल एक सात सात चौदह और एक पंद्रह पाँच हासिल एक और छः एक सात एक आठ, आठ रुपये पचास पैसे ये तीसरे सप्ताह की बचत हुई। यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, जो मिल रहा है वो आपको दिख भी रहा है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो खैर ना बच्चा, देखो इसमें वो मिल रहा है क्या, एक सारणी बन गई एक सीरीज बन गई, तो ठीक है बस हमें यही चाहिए था, आप लिखो अतः श्रेणी बराबर, श्रेणी क्या बन रही है पहला पाँच फिर छः पचहत्तर चार पचास बन रही है ना, बन रही ना। अब हमारे में जगह नहीं है लेकिन मैं इसको नीचे लिख देता हूँ आपको जिससे ज़्यादा बेहतर समझ में आए। हाँ देखो समझो, नहीं तो मैं नीचे भी कर सकता था वहीं से लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, तो बच्चा देखो यहाँ पे समझो श्रेणी क्या बन रही, पहला पद पाँच दूसरा छः पचहत्तर तीसरा आठ पचास चौथा इसी में एक पचहत्तर जोड़ोगे और आगे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए ये नवा सप्ताह में कि जो अर्निंग है बच्चा वो हो जा रही बाबू कितना बीस रुपया पचहत्तर पैसे, बोलो हो जाती है ना, दिया है ना किताब में। हमें क्या करना है यन का मान निकालना है, बहुत सिंपल सा है, हमें क्या क्या दिया है सब कुछ मिल गया, लिखिए अब क्या करेंगे, देखो दिया है जैसे दिया है वैसे ऊपर ही लिखना था दिया है, लिख लो ठीक है यहाँ भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया है, पहला पद दिया है ए बराबर पाँच रुपया, डी बराबर एक रुपया पचहत्तर पैसा दिया है क्योंकि कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है इतना, और इसमें बच्चा ए एन बराबर भी दिया है तीस रुपया पचहत्तर पैसा, कह रहा है ना कि मतलब अंतिम पद दिया है लास्ट वाला, ए एन का मान निकालना है ओनली एन का मान निकालना, बहुत आसान है सिंपल सा है। देखो बच्चा ये सूत्र लगा दो बाबू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान दिया है बीस रुपया पचहत्तर पैसा, ए का मान पाँच रुपया, एन का मान नहीं पता है, डी का मान एक रुपया पचहत्तर पैसा, उधर साइड में कट रहा है मैं दिखा दूंगा अभी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको ठीक है, जहाँ जा रहा है साइड में मैं दिखा दूंगा अभी,
अब आपको पूरा दिख रहा है, अभी मैं आपको एक नजर में दिखा दूंगा पूरा एक बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें क्या करना बच्चा, एन का मान निकाल लेना बाबू। तो एक लाइन अभी यहाँ और भी हल कर सकते हो आप। तो ये 20 रुपया 75 पैसा माइनस का 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो ऊपर हल कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, ये लो। हाँ, इतना बड़ा मैंने दिखा दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब इसमें से 5 घटाओगे तो भैया ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 और 75। हाँ, बराबर कितना होगा, आप जरा ध्यान दीजिए, ये इधर आएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, 1.75 ऐसे हो जाएगा, एन माइनस 1। आप देख रहे हैं दोनों में बराबर बराबर अंक पर, दो दो अंक पर दशमलव है। दशमलव हम हटा सकते हैं क्योंकि दोनों में बराबर बराबर अंक पर ही दशमलव। ये कटेगा तो 9 आएगा। आप भाग दे के देख लो, 9 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 10 आएगा। इतना तो जानते हो, कक्षा 10 में पहुंचे हो ना, यानी वो एन का मान क्या है, 10 है। आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आपको पूरा सोल्यूशन एक नज़र में दिखा देता हूँ, जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर का दिख रहा था, कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे, तो वो पूरा एक नज़र में देख लो। हाँ चलो, पूरा हल एक नज़र में देख लो आप लोग, जो इधर उधर जा रहा है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आ जाए, ठीक है। हो गया ना पूरा एक नज़र में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल हो गया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और सोल्यूशन आपका किया जाएगा, ठीक है। तो मैं सामने से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चा, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए।